हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को अपना एक बचपन का छोटा सा स्टोरी बताने वाला हूँ। तो लगभग मैं चौथी या पांचवी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। तो होता ये है कि कभी कभी जैसे पढ़ाई चालू है, हम लोग बीच में ऐसा चले जाते थे कहीं घूमने अपने दोस्त के साथ। तो एक समय ऐसा हुआ कि मैं और एक मेरा दोस्त जिसका नाम था जय किशन, वो और मैं, हम लोग कुछ ऐसे प्लान तो नहीं था, कुछ ऐसे घूमने जाने का तो नहीं था, बस यूं ही सोचे थोड़ा चलते हैं, थोड़ा वॉशरूम कर लेते हैं या फिर थोड़ा फ्रेश होके आ जाते हैं। तो होता है था कि बहुत ही हम लोग का जो स्कूल था ना, उसमें वॉशरूम हम लोग बाहर ही जाते थे। तो हम लोग ऐसे ही गए और बाजू में ही बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे आम के पेड़ होते थे, बहुत सारा बहुत कुछ, और उसमें एक हनीकॉम्ब भी था, मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता उसमें था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को पता नहीं था कि वो मधुमक्खी जो है ना, जैसे कभी कभी कोई क्या करता है कि उसमें कुछ भी जैसे अभी पत्थर वगैरह ऐसा कुछ फेंक के अगर मार देते हैं तो आप लोगों को पता होगा वो सब उड़ने लगते हैं और जिसको देखते हैं उसको भी काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो हुआ ये कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग तो गए, मैं और मेरा दोस्त दो ही लोग थे, तो मैं और वो गए ऐसे फ्रेश होने गए। और हुआ ये कि मधुमक्खी का जो छत्ता था ना, उस पर किसी ने पत्थर पहले से मारा था। हम लोगों को नहीं पता था, हम लोग तो बगीचे में गए, थोड़ा सा बाजू में ही बगीचा है, गए और मधुमक्खियाँ बहुत सारी थी। तो हम लोगों को लगा कि जहाँ पर हम लोग हैं वहीं पर ही ये सब मधुमक्खियाँ हैं। तो हुआ ये कि हम लोग को थोड़ा सा ना सोचे कि थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, थोड़ा सा उधर पे चले जाते हैं, थोड़ा ऐसे ही देखते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खी उड़े तो क्या पता आगे ना हो। लेकिन हम लोग को नहीं पता था, वो बहुत ही भयानक समय था और बहुत ही डरावना समय था मेरे लिए और उसके लिए भी। हम लोग को नहीं पता था कि आगे और ज़्यादा मधुमक्खियाँ, और इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं कि वो पूरे गाँव भर में परेशान है, क्योंकि हम लोग स्कूल आ गए थे तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। हम लोग बीच में जैसे दोपहर का समय था तो आधा स्कूल ख़त्म हो चुका था, आधा हम लोग बचा था पढ़ाई, तो वहाँ उस समय हम लोग निकल के आए थे तो पता नहीं था। और गांव पर मतलब जस्ट बाजू में हम लोग का गांव भी है, तो मधुमक्खियाँ बहुत सारी उड़ रही थी तो हम लोग को पता नहीं था। तो मैं और वो ना थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ थी जो कि उड़ रही थी सिर्फ काटने के लिए। तो हुआ ये कि मैं और वो दोनों थे, हम लोगों ने क्या किया ना, अभी ऐसे सिचुएशन में होता ये है ना कि अगर ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं या फिर कुछ ऐसे ही कुछ डेंजर सिचुएशन आ जाता है ना, तो हम दिमाग काम करना बंद कर देता है कि एक्चुअल में इस समय किया क्या जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब देखा ना, तो हम लोगों को एक एक दो मधुमक्खियाँ ना परेशान करने लगी। इधर से हम लोग ऐसा हाथ से इसको ऐसा मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि बहुत ही मतलब एकदम दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैं और वो, अभी कैसा नहर भी रहता है जो अपना सिंचाई के लिए जो खेत में वगैरह में पानी जाता है वो नहर था। तो मैंने क्या किया, मैंने और वो दोनों ने ना नहर को, एक्चुअली मेरा घर जो था ना वो बहुत ही स्कूल से बहुत ही पास में था, जैसे कि 5-10 मिनट तो बहुत बोल दिया, हाँ 7-8 मिनट में पैदल आप आराम से जा सकते हैं। तो उतने दूर पर मेरा घर भी था और उसी में बगीचा भी आता था, उसी बीच में थोड़ा सा घूम के जाते थे। तो मैंने क्या किया ना, हम और वो दोनों ना, मतलब अभी कैसा है कि अभी बगीचा थे, थोड़ा सा डाक के ऊपर चले गए रोड पे आ गए, तो बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आने लगी। तो हम लोगों को सूझा ही नहीं कि हम लोग वापस स्कूल में जाएं। तो मैंने और उसने क्या किया ना कि हम लोग अपने घर की, मतलब उसका घर तो दूसरे जगह था, वो और मैं दोनों मेरे घर की तरफ भागने लगे, क्योंकि मैं चिल्ला भी रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ था, मधुमक्खियाँ एकदम जान लेने के पीछे पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आने लगी वहाँ पे और काटने लगी। हम लोग तो ऐसे ऐसे हाथ से इधर उधर करते करते भागे, और लिटरली हुआ है ना कि मैंने क्या किया, मैं फटाफट भागते 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 गया, सरसों के खेत में कूद गया। मैं सोचा कि सरसों के खेत में खुद कूद जाऊँगा तो क्या पता मधुमक्खियाँ नहीं है, लेकिन हुआ दोस्तों, मैं सरसों के खेत में जैसे ही कूदा ना, और ज़्यादा मधुमक्खियाँ वहाँ पे आने लगी। मतलब मैं समझा बचना तो मुश्किल है। साहब मैंने क्या किया, फिर ना वो भी भाग रहा है, वो कहाँ कहाँ उसको नहीं काटे, उसको तो नाक में भी काट लिया था बेचारा, और मेरे भी हाथ में, मेरे उंगली में, मेरे सर पे, कहाँ कहाँ नहीं काटा था। तो हम लोग ना फटाफट भागने लगे, भागते 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 ना मैं तो सरसों के खेत में कूद गया, लेकिन फिर फटाक से वहाँ से निकला। मैं बोला यहाँ पे गुजरने, अब मैं अपने घर पे ही चलता, अब हम लोग को कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम लोग जाएँ कहाँ। तो वो, मैं उसको बोल रहा हूँ भाग भाग, तो भाई किशन भाग, जल्दी भाग, नहीं तो काटेगी। तो मैं और वो दोनों भागने लगे भागते भागते, एक्चुअली वो मेरा घर जानता था तो वो भी उसी रास्ते से भाग रहा था, मैं भी उसी रास्ते, और सच बताऊँ ना तो मेरे घर तक वो मधुमक्खियाँ हम दोनों को पकड़ते पकड़ते मेरे घर तक आ गई थी। मैं मतलब घर में गया, घर के अंदर गया तो मेरे घर पे मेरा एक बड़ा भाई और एक और भी भैया थे,
तो वो मैंने क्या किया कि दरवाज़ा बंद किया, पूरा दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके बाद मोबाइल का टॉर्च जलाया। उस समय लाइट हम लोग के गांव में नहीं थी तो पूरा अंधेरा था, टॉर्च जलाया, मेरा कपड़ा वपड़ा सब निकाला मैंने, देखा तो कपड़े के अंदर एक मधुमक्खी थी, वो भी जिंदा हुआ जिंदा ही थी वो मधुमक्खी। तो फटाक से मारे उसको और पूरा पूरा एकदम शरीर में एकदम से लाल लाल पड़ गया था क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा काट ली थी। बंदा भी था, वो बंदा तो अंदर करके नहीं आया क्योंकि मेरे अंदर ही ज़्यादा घुस गई थी मधुमक्खियाँ उसके में, वो तो बाहर से झाड़ उड़ दिया था उससे निकल गया था, पर मेरे अंदर ज़्यादा थी। तो उसने क्या किया फिर उसके बाद अपना वो सही हो गया सब, लेकिन काटी तो बहुत ही थी, थोड़ा सूज गया था। आप लोगों को पता होगा जब मधुमक्खियाँ काटती हैं ना तो कुछ सूज जाता है, बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और हम ही लोगों को नहीं, गाँव में और भी लोगों को ऐसा ऐसा हुआ था कि और भी लोगों को बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ काटी थी और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि अभी तो मधुमक्खियाँ ज़्यादा नहीं दिख रही थी क्योंकि हम लोग तो वो बगीचे के रास्ते से घर पे आए थे। अब हम लोग, मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता मैं उस रास्ते से उसको पैदल लेकर गया, बोला चल अब स्कूल में चलते हैं। तो स्कूल में गए, फिर वहाँ पे थे सब लोग, तो हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि जो पान खाते हैं ना उसमें का जो चूना होता है ना वो लगा लो, वो ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिर बाद में लगाया। और गाइस बहुत ही डेंजर सिचुएशन था वो कि मधुमक्खियाँ दौड़ा रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएँ। वैसे हम सिर्फ हम ही दो को नहीं, गांव में और भी लोगों को ऐसा मतलब हो गया था कि और भी लोगों लोगों का जो जीना एकदम हराम हो गया था उस दिन। अपन लोगों खेत में काम कर रहे थे उनको भी बहुत लोगों को काटा था। तो फिर उसके बाद से तो कभी हिम्मत नहीं हुई बगीचे में ऐसे अकेले जाने का कि फिर से ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हो गया ख़त्म सब। और मधुमक्खियाँ एक दो काटी थी, थोड़ा स्वेल हुआ था कुछ दिन तक ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा मेरा कहानी था बचपन का। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।